उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई थानों में अपना अपराध का ताना बाना बुन चुके यूपी के एक फर्जी दरोगा को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई थानों में अपने अपराधों का ताना बाना बुन चुके यूपी के एक फर्जी दरोगा को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी को आज क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मीडिया के समक्ष लाते हुए बताया कि थाना सिबीगंज जिला बरेली का विनोद कुमार लंबे समय से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी उपनिरीक्षक की शक्ल में भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने के काम पर मोटी रकम ठगने और अपनी चालाकी से जेवरात को ठगने का काम किया करता था। गिरफ्तार ठग के पास से काशीपुर पुलिस ने एक 315 बोर का देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, यूपी पुलिस की वर्दी, पुलिस के बैच और स्टार बरामद किए हैं। आरोपी विनोद कुमार के ऊपर यूपी पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। क्राइम स्टोरी के लिए काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। काशीपुर में मानपुर रोड पर एक सूचना मिली जिसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर ठगने का काम कर रहा है। इस सूचना पे काम करते हुए पुलिस टीम पहुंची और इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर लेके आए। पूछताछ में ये पता चला कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस की नकली वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करता है, उनसे गहने और आभूषण ठगता है और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करता है। जब इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो इस पर 5 मुकदमे जनपद देहरादून में 2016 में कायम हुए हैं और थाना मझोला से भी ये 420-406 IPC में जेल गया है और इस पर 5000 रुपये का इनाम वहाँ से घोषित है। इस सूचना पर और इस तहकीकात के बाद फर्जी वर्दी पहनने के आरोप में इस पे थाना काशीपुर में धारा 171 IPC पर्सोनिफिकेशन का जो होता है, जिसमें पुलिस के वस्तुओं को इस्तेमाल करते हुए जो फर्जी काम किया जाता है, इस धारा में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसको आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसका अन्य आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।